भिंड जिले के लाहार में ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने भिंड जेल हादसे से सबक लेते हुए जर्जर भवनों से कार्यालय शिफ्ट करने की मांग की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बताया, लाहार का तहसील भवन का निर्माण साल 1930 में हुआ था, तब से इन भवनों में तहसील कार्यालय एसडीएम कार्यालय संचालित हो रहे थे। इसके बाद नई तहसील और नया एसडीएम कार्यालय नवीन भवनों में चले गए और खाली कार्यालयों में ईडीजे कोर्ट और न्यायालय कोर्ट के साथ न्यायालय रिकॉर्ड रूम चल रहे हैं, लेकिन इन भवनों की हालत बहुत जर्जर है और कभी भी हादसा हो सकता है। तहसील का कार्यालय एसडीएम कार्यालय यहाँ चल रहे थे। इसी बीच पीडब्ल्यूडी ने लगभग 8-10 साल पहले इस बिल्डिंग को जर्जर घोषित कर दिया, तो तहसील नई तहसील में पहुंच गई और एसडीएम कोर्ट नया निर्माण हो गया। लेकिन चूंकि न्यायालय में ज्यादा न्यायाधीश की पदस्थापना हुई, तो पूरे न्यायाधीश हमारे एडीजे कोर्ट और जितने भी न्यायालय हैं वो न्यायालय उस भवन में संचालित होने लगे। वर्तमान में वहाँ जो रिकॉर्ड रूम है उसकी हालत ये है कि अगर 2-3 दिन पानी बरसा तो रिकॉर्ड रूम की छत गिरेगी और संपूर्ण रिकॉर्ड, जो बहुत महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है, जो न्यायालय का लगभग 30-40 पुराना रिकॉर्ड है, वो भी पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए हमने श्रीमान कलेक्टर को एसडीएम लाहार के माध्यम से ये निवेदन किया है कि आप तत्काल इस तरह की कार्रवाई करें कि ये हादसा होने से बच जाए।